ये बड़ी खबर आपको यूपी से बता रहे हैं, जहां यूपी में गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है, तापमान लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं प्रयागराज में 44.6 डिग्री सेल्सियस पारा पहुंचा। बरेली, मेरठ, वाराणसी का भी तापमान 43 डिग्री के पार पहुंच गया है, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। वहीं गाजियाबाद, नोएडा, मथुरा, हाथरस में रेड अलर्ट IMD ने जारी किया है। लगातार गर्मी के सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं। औरैया, झांसी, जालौन में लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया गया है, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। जहां उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ रही है और गर्मी ने सारे रिकॉर्ड भी तोड़ दिए हैं, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कानपुर में पारा 47.6 डिग्री पहुंच गया है। वही सेंट्रल यूपी में गर्मी से 9 मौतों का आंकड़ा भी सामने आया है। 48.1 डिग्री के साथ झांसी प्रदेश का सबसे गर्म जिला रहा है। वही बुंदेलखंड में रोडवेज बस चालक समेत 6 लोगों की जान चली गई है, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आगरा में 47.8 डिग्री, तो वही इटावा का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। अलीगढ़ में 44.8, प्रयागराज में 44.6 और हरदोई में 44.5 डिग्री पारा पहुंच गया है। बरेली, मेरठ, वाराणसी का भी तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के पार हो गया है। वहीं गाजियाबाद, नोएडा, मथुरा, हाथरस में रेड अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि लगातार भीषण गर्मी पड़ रही है, तो वहीं औरैया, झांसी, जालौन में लू चलने का रेड अलर्ट भी जारी किया गया है।